अरे इधर आओ, पीछे सीसीटीवी कहाँ रहता है, कौन देखता है? नॉट स्टाफ रहता है, हेल्थ मैनेजर नहीं रहता रात में। प्रावधान है आप लोगों को दिया अभी आप कहाँ थे? जी सर राउंड फोटो बताइए क्या होगा? लोग कहते हैं मास्क लगाइए मास्क लगाइए, यहाँ गंदगी भरी है, मास्क लगाइए, यही में हो जाएगा। हम गरीब आदमी हैं। बिहार राज्य का सभी सीएच का, सभी मेडिकल हॉस्पिटल का, प्रिंसिपल का बैठक हम बुलाए, वो आप लोग को नहीं करना, हमको करना है। अब उसी लिए हम पहले आगे देखने कंडीशन, आप चिंता मत कीजिए। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक देर रात को पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच पहुंच गए। तेजस्वी यादव जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अधिकतर लोग पहचान भी नहीं पाए। बिना किसी को भनक लगने दिए तेजस्वी यादव जब पीएमसीएच पहुंचे तो वहां की व्यवस्था देखकर गुस्सा गए। उपमुख्यमंत्री के आने की भनक लगते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग की कमान भी उनके पास ही है। पद संभालते ही तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ जहां वो तमाम विभागों की ताबड़तोड़ बैठक ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पताल के हालत का जायजा लेने तेजस्वी यादव अब खुद हॉस्पिटल पहुंचे। औचक निरीक्षण के लिए उन्होंने पटना का पीएमसीएच अस्पताल चुना। करीब 12 बजे पीएमसीएच पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कई वार्डों का निरीक्षण किया। उन्हें देखते ही मरीज व मरीजों के परिजन ने शिकायत करनी शुरू कर दी। अस्पताल में गंदगी और दवाई नहीं मिलने की शिकायत भी लोगों ने की। इस बीच मरीजों का हुजूम खड़ा देखकर तेजस्वी यादव गुस्सा गए। उन्होंने भीड़ की तस्वीर लेने का निर्देश दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अंदर कमरे में बैठे स्वास्थ्य कर्मी को बाहर बुलाया। पहले तो स्वास्थ्य कर्मी कुछ समझ ही नहीं सके, जिसके बाद खुद तेजस्वी यादव ने उन्हें पुकारा, अरे इधर आओ, अंदर बैठो। स्वास्थ्य कर्मी फौरन बाहर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि तुम लोगों का स्टाइफन बढ़ाए ना, इधर आओ। स्वास्थ्य कर्मी बाहर आए तो तेजस्वी यादव ने पूछा कि ये सीसीटीवी कौन देखता है। तेजस्वी यादव के सामने एक महिला ने कहा कि सर हमें मास्क लगाने को कहा जाता है, लेकिन आप गंदगी देखें, जब इतना गंदा यहाँ है तो मास्क क्यों लगाएं? वहीं मरीजों ने कहा कि दवा बाहर से ही लेने को कहा जाता है, आखिर अस्पताल में फिर क्यों आए? तेजस्वी यादव ने महिला व अन्य लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुना। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों को ये भी बताया कि वो आखिर अचानक आधी रात को अस्पताल क्यों पहुंचे हैं। तेजस्वी ने बताया कि वो तमाम मेडिकल अस्पतालों के प्रिंसिपल और सभी जिलों के सीएस की बैठक बुलाए हुए हैं। उससे पहले वो इसलिए खुद अस्पताल की हालत देखने आ गए हैं ताकि उचित निर्देश दिया जा सके। लापरवाही देखकर तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करने की बात कही। डॉक्टर देख रहा है अभी तो डॉक्टर देखा कोई यहाँ डॉक्टर अपना पैसा के लिए बाहर से लिखते हैं। सारा फोटो लीजिए, बताइए फोटो लोग क्या होगा? लोग कहते हैं मास्क लगाइए, यहाँ गंदगी भरी है, मास्क लगाइए, यही में हो जाएगा। बाहर से हम दवा लिए, पैसा लगा कर बताइए तो दवा नहीं मिल रहा है सर, दवा को काम कर पर दवा नहीं है तो किस काम के लिए यहाँ आएगा?
अरे इधर आओ, सीसीटीवी कहाँ रहता, कौन देखता है? कौन है? नहीं हमको मिला है दवा, क्यों बताइए? बिहार राज्य का सभी सीएच का, सभी मेडिकल हॉस्पिटल का, प्रिंसिपल का बैठक हम बुलाए, वो आप लोग को नहीं करना, हमको करना है। अब उसी लिए हम पहले आके देखने कंडीशन, आप चिंता मत कीजिए, सब वहाँ लाए। मतलब हेल्थ मैनेजर ने एक नर्स को दे दिया ड्यूटी पे कंट्रोल देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का। कहा तुमने क्या लगा? मजाक कर लिया था। ड्यूटी में है प्रावधान है, आप लोग क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबल थी जो एजेंसी, वो स्टाफ नर्स बता नहीं पाया, सुपरवाइजर तो होगा ना सफाई के हाथ में, अलावा कोई दवा चार पाँच बस जल्दी में।